अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक ख्वाब देखा है कुछ दिन पहले कि मैं किसी अजनबी जगह पे होती हूँ और ग्रीनरी भी होती है और दरख्त वगैरह और एक बड़े से पत्थर के ऊपर से चल रही होती हूँ मैं, लेकिन उसके साइडों पे बहुत गहरा समंदर होता है। अब समंदर भी जो है उसके ऊपर भी जैसे थोड़ी सी लेई सी होती है ना, मतलब बिल्कुल साफ समंदर नहीं होता, लेकिन देखने में लगता है कि ये बहुत गहरा है। तो मैं जस्ट फोन पे बात कर रही होती हूँ, ख्वाब नहीं, अपने हस्बैंड के साथ, और एकदम से मेरा फोन स्लिप होता है और उसमें समंदर में मैं डूब जाती हूँ। और मैं जब गहराई में नीचे जा रही होती हूँ तो मैं यही फील करती हूँ कि अब तो ज़ाहिर है मैं वापस नहीं निकल सकती, मैं बचूंगी नहीं। तो मैं फ़ोन पे ही एकदम से, क्योंकि फ़ोन मेरे कान पे होता है हाथ में, तो मैं कहती हूँ खुदा हाफिज़ अपने हस्बैंड को। तो मतलब मेरी जो छोटी बेटी है उसने मुझे जगा, क्योंकि मैं ख्वाब में रो रही होती हूँ तो वो मुझे जगा देती है ख्वाब से। अब मैंने ये नहीं देखा कि मतलब मैं वापस समंदर से निकली नहीं निकली। ओके, इस ख्वाब की ताबीर के लिए मैंने एज़ यूजुअल रोमाना के पास से भेजा, तो उन्होंने जो ख्वाब की तबीर बयान की है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख्वाब की खैर बरकतों खुशियों से इनको जल्द नवाजे, आमीन रब्बिल आलमीन। ख्वाब में हरियाली और दरख्त देखना उम्मीद, रिस्क में इजाफा, खुशियों, नेमतों, रहमतों की खुशखबरी है, लिहाजा इत्मीनान रखें। साहिला ने ख्वाब में खुद को पत्थर पर चलते देखा और साइड में गहरा समंदर देखा जिस पर लई है। यहाँ समंदर से मुराद इनकी ज़िंदगी और ज़िंदगी से मुंसलिक खुशियाँ महसूस हो रही हैं। समंदर पर लई से मुराद उन खुशियों के हुसूल में रुकावट महसूस हो रही है। ख्वाब में साहिला ने पत्थर पर खुद को गुजरते हुए देखा, यानी किसी किस्म के हालात या मामलात में आजमाइश और मुश्किलात से गुजर रही हैं या गुजर सकती हैं। चूँकि ख्वाब में पत्थर ने इनको नुकसान नहीं पहुँचाया और इनके पाँव ज़ख्मी नहीं हुए, लिहाजा ये इस चीज़ की अलामत महसूस हो रहा है कि इनमें हिम्मत और हौसले से मामलात को फेस करने की सलाहियत मौजूद है, लिहाजा ये उस सलाहियत का बेहतरीन इस्तेमाल करें। क्योंकि ख्वाब में इनका पांव फिसल, ख्वाब में इनका पांव फिसलता है और ये समंदर की गहराई में चली जाती है। ओके, मुमकिन है शौहर या उनके उसे इनको आजमाइश से गुजरना पड़ा हो या गुजरना पड़े, लिहाजा ये समझदारी का सबूत देते हुए लोगों के बहकाने में ना आकर अपने कदमों को जगमगाने ना दें और ख़ुद को और अपने घर को डूबने से हमेशा महफूज रखने की कोशिश करती रहें। चूँकि साहिला ख्वाब में समंदर की गहराई में जाती हैं, मुमकिन है इशारा हो कि बहुत से घरेलू मामलात की गहराई का इनको अंदाज़ा हो जाएगा। ये किसी भी किस्म की बुराई पर अपने नेक अमल की चादर डालकर मामला फहमी का मुजाहरा कर सकती हैं और करेंगी इंशाल्लाह, और इस तरह से ये आने वाले वक्त की खुशियाँ समेट सकती हैं। ख्वाब में साहिला हस्बैंड को खुदा हाफिज़ कहती हैं। मुमकिन है इशारा हो कि इनके हस्बैंड या उनके हवाले से रिश्तों से इनको जिन तकालीफ या आजमाइश से गुजरना पड़ा हो वो मामला इनको दोबारा मैसर नहीं होंगे और पलट के तकालीफ नहीं आएंगी, बल्कि उन्हीं हवालों से इनको खुशियाँ और मोहब्बत और इज्जत नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। ये सूरह अश-शहरा की आया नंबर 5 और 6 को गौर करें और अपने ख्वाब में पत्थर के साथ जो समंदर की गहराई और पानी देखा है उसको मुश्किल के साथ आसानी की खुशखबरी के अंदाज से महसूस करें। ये समझदारी, सब्र और अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर तवक्कुल करके बहुत सारी खैर समेट सकती हैं, सब खैर होगी इंशाअल्लाह, वल्लाहु आलम। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया रुमाना, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।